सो हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, कैसे आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड एंजॉय विद योर फैमिली। तो आज दो महीनों के बाद हमने फिर से व्लॉग करना स्टार्ट कर दिया है। तो आज हम कहीं पे जा रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा। तो ये हमारा पूरा चार दिन का ट्रिप रहेगा। तो इस ट्रिप में जो जो होता है वो सब मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ मुंद्रा बस स्टैंड, मुंद्रा से भूत की बस पकड़ के भूत से गांधीधाम, और गांधीधाम से ट्रेन पकड़ के सीधा जोधपुर। तो जो होता है वो आप सभी के साथ शेयर होता रहेगा। सो वी आर रीच एट द मुंद्रा बस स्टैंड, अभी यहाँ से भुज और भुज से सीधा गांधीधाम, और अभी हम मिलेंगे सीधा गांधीधाम रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों फिलहाल हम हैं गांधीधाम रेलवे स्टेशन। तो हमारी ट्रेन थी 11:15 पर, जो 8:30 बजे हमें जोधपुर पहुँचाने वाली थी, पर हम समय से बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँच गए थे। हम 8:30 बजे के रेलवे स्टेशन बैठे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत रेलवे स्टेशन आपको दिखाया जाए। एंड 11:30 बजे हमारी ट्रेन हुई स्टार्ट और हमने किया सफ़र शुरू। तो ना मैंने सर्दियों में कभी ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया, ये मेरा सर्दियों का फर्स्ट टाइम था। एंड दिक्कत और एक थी कि मेरा जो स्लीपिंग का वो था वो एग्जिट डोर के सामने था, तो मैंने कम्बल वम्बल लिया नहीं था। ये देखिए अपनी फुल प्रिपरेशन से आए हैं, कम्बल वम्बल डाल के सो रहे हैं, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी ठंड के मारे, तो मैंने कर दिया कैमरा ओपन। और ये कुछ सीन थे ट्रेन के डब्बे के, तो मैंने सोचा सो जाऊँगा, पर पूरी रात ठंड के मारे मुझे नींद नहीं आई, मैं कैमरा लेके डोलता रहा पूरी। फाइनली पूरी रात ठंड मरने के बाद 8:30 बजे और 8:30 बजे हम उतर गए थे जोधपुर रेलवे स्टेशन। तो ये देखिए प्यारा सा कुछ जोधपुर का रेलवे स्टेशन ऐसा दिखता है। मैंने सोचा थोड़ा बहुत आपको भी दिखाया जाए। तो यहाँ से हम निकलते हैं बाहर, और बाहर निकल के आगे का सीन आगे चेक करते हैं। तो यस फाइनली वहाँ से हम गांधीधाम से 11:30 बजे चढ़े थे ट्रेन में, और 8:30 बजे हमें ट्रेन ने छोड़ दिया है जोधपुर। सो अब यहाँ से हम कुछ चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद कुछ रूम का जुगाड़ देखेंगे, और दो दिन का जो भी हमारा सफ़र है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं चाय नाश्ता, उसके बाद रूम का कुछ सीन देखते हैं। तो बने रहिए। ये रहे हमारी चाय, अभी मैं करता हूँ चाय एंजॉय और सर्दी। तो यह हमने नाश्ता कर लिया, चाय पी के आगे बढ़ते हैं, और ठंड बहुत ज़्यादा है। तो अभी ना गाइस मेहरामगढ़ में घूम के आ चुका हूँ, पर जो जो क्लिप्स थी वो मैं अभी डाल रहा हूँ, मतलब घूम के वापस जा रहा हूँ। थोड़ा मैंने शूट इस टाइप से किया कि वॉइस ओवर रहेगा, बाकी जो भी है खूबसूरती देखिए आप। तो अंदर जाने के बाद सबसे जो बढ़िया चीज है तो वो है ये एंटिक स्टोरेज। यहाँ पे सब कुछ एक से एक चीज जो उस जमाने में यूज हुई जाती थी, जैसे कि तलवार हो गई, बख्तर हो गया, हेलमेट हो गई, ढाल हो गया, हेलमेट बोले तो वो मुकुट हो गया, वो ये अंतर मंतर सब कुछ जो उस जमाने की चीजें थी जो राजा महाराजा यूज करते थे, वो उनको अच्छी तरीके से रखा गया है, और उनकी डिटेल वाइज डिटेल भी दी गई है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं महाराज का पूरा सूट हुआ करता, वो ये ताला, वो पता नहीं ताले के बाजू में क्या है वो भी है, और ये सब कुछ डिटेल वाइज डिटेल भी दिया हुआ है, और ये पालकी। इतना सब कुछ देखने के बाद हम चले गए भाई साहब बाहर। अगर तुम लोगों को पूरा जोधपुर एक पॉइंट से खड़ा रह के देखना है तो आप इस किले की फ्रंट साइड की वॉल पर आ जाओगे, तो आपको पूरा जोधपुर एक पॉइंट से ही दिख जाएगा, पूरा नहीं तो आधे से ज़्यादा जोधपुर तो मैं इधर खड़ा रह के ही देख सकता हूँ। और ये कुछ किले की रचना भी ऐसे की गई थी कि फ्रंट साइड की वॉल पे 8 से 10 तोपें लगाई गई थी, जैसे कि कोई हमला वमला होता है, युद्ध वुद्ध होता है, तो सीधा जवाबी कार्रवाई की जा सके, तोपें छोड़ी जा सके, तो दुश्मन को मार गिराया जा सकता था। मैं पॉइंट से ज़्यादा दूर भाग रहा हूँ, बट यस ये कुछ ऐसा ही है, तोपें वगैरह सेट थी, बस कुछ ज़्यादा ऊपर देखने को था नहीं, ये ऊपर से पूरा जोधपुर दिख रहा है और 8-10 तोपें दिख रही है। चलो बढ़ते आगे। आप पता नहीं क्या बोलते हो, मैं भी शायद हिंदी में कढ़ाई बोलते हैं, तो मैंने दो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ देखी वॉल पे एकदम टच की हुई, और हम वो देख के बड़े आगे बाहर जाने की ओर, जो सीधा रास्ता है वो जाता है बाहर। तो चलिए निकलते हैं बाहर।
यहाँ से 10 बजे कल हमने चेक इन किया था, आज 10 बजे चेकअप कर रहे हैं। थोड़ा रूम का मैं जल्दी से टूर दे देता हूँ क्योंकि अभी मुझे बहुत जल्दी जाना है। फोन रूम में क्या आपका? हाँ फोन नहीं, मेरा कुछ चीज रह गया था, मैं वापस आया था लेने, अभी हो गए जाऊँ। लेट्स गो। ये चाय पीने के बाद मैं 2 दिन रुका था जोधपुर में, बट मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मैं घूमने फिरने में मज़े करने में इतना व्यस्त हो गया था कि मैंने कुछ शूट नहीं किया और मैं चला गया सीधा मुंद्रा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं घूम के आ चुका हूँ, अभी मैं मुंद्रा आ चुका हूँ, अब से मेरी रेगुलर लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वीडियो एडिट करके मैं संडे को डाल दूँगा एंड अब संडे टू संडे व्लॉग आते रहेंगे। लव यू, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। Thanks for watching.